रणबीर कपूर जो कि बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड टैलेंटेड एक्टर हैं, वो लास्ट नजर आए थे 2018 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू में, जिसके बाद 3 साल तक उनकी कोई भी फिल्म नहीं आई। लेकिन लग रहा है कि 2022 रणबीर कपूर का साल होने वाला है। रणबीर कपूर की आने वाले महीनों में बैक टू बैक रिलीजेज होंगी। ब्रह्मास्त्र को लेकर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुका है और ट्रेलर को बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि रणबीर की एक और फिल्म आने वाली है जो कि यशराज फिल्म्स की है, जिसका टाइटल है शमशेरा और इसका फर्स्ट लुक लीक हो गया है। रणबीर कपूर का इस फिल्म का फर्स्ट पोस्टर लीक हो चुका है और ऑलरेडी ये लुक वायरल हो गया है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है शमशेरा पोस्टर लीक, और इसी के साथ ये पता चल चुका है कि शमशेरा तो ब्रह्मास्त्र से भी पहले रिलीज़ होने वाली है। शमशेरा रिलीज़ होगी जुलाई 2022 को। इस फिल्म में रणबीर के साथ दिखने वाले हैं वाणी कपूर और संजय दत्त जैसे एक्टर्स। इसे लेकर फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लास्ट ईयर इसका एक छोटी सी झलक शेयर की गई थी, लेकिन अब ये वाला पोस्टर देखकर तो फैंस के होश उड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि रणबीर कपूर 4 साल तक छुट्टियां नहीं मना रहे थे। ही वॉज वर्किंग ऑन फिल्म्स लाइक शमशेरा। रणबीर के फर्स्ट लुक में देखा जा सकता है कि वो किस तरह से एक रग्ड अवतार में दिख रहे हैं। उनकी बियर्ड, उनका हेयर, उनके हाथ में पकड़ी हुई ये एक्स, हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैसिव लग रही है और ये पोस्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल है। फैंस इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं ट्विटर पर, जैसा कि देखा जा सकता है। अगर कुछ फैंस के ट्वीट्स की बात की जाए तो एक यूज़र ने लिखा, बेस्ट एक्टर 2022 हेयर ही कम्स। वहीं दूसरे यूज़र ने लिखा, RKF's द फर्स्ट ऑफ देयर काइंड जिसने डेकॉयड को ही लूट लिया विद द पोस्टर। एक और ट्विटर यूज़र ने रणबीर की तारीफ करते हुए लिखा, ही वॉजेंट ऑन अ वेकेशन दीज ईयर्स, गोना शो यू द डेफिनेशन ऑफ मास, गर्दा उड़ा दिया रणबीर भाई। एक और ने लिखा, दिस इज अ डार्क हॉर्स YRF गेटिंग अ रिवाइवल, रणबीर कपूर इज बैक आफ्टर संजू। इन दोनों फिल्मों के अलावा रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर के साथ स्पेन में लव रंजन के आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिसके बिहाइंड द सीन ग्लिम्सेस हमें देखने को मिलते रहते हैं।